मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली। तो मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और घर की भी क्लीनिंग कर दी है मैंने। घर भी एकदम फेस्टिवल रेडी हो चुका है। ये देखिए मेरा सारा काम हो चुका है आज का। तो हमारे यहाँ ना कैसे नहा धो के आज का काम शुरू करते हैं, यानी कि किचन जो होता है ना। तो ये देखिए मैंने पहले किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया है, एकदम चमचमाता हुआ। तो किचन चमचमाता हुआ हो चुका है और आज हमारे यहाँ नहा धो के खाना यानी कि किचन में जाते हैं और खाना बनाते हैं। तो अभी मैंने मेरा नहाना धोना झाड़ू पोछा सारा काम हो चुका है ख़त्म। अब मैं बनाऊंगी दिवाली स्पेशल फूड। तो पहले मैं पूजा करूंगी। अभी देखो मैं जस्ट नहा के आई हूँ, अभी रेडी होंगी एंड देन फिर पूजा करूंगी। फिर मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ दिवाली में क्या क्या बनाते हैं। तो ये हो गई मेरी पूजा ख़त्म। और इस तरह से अभी मैंने मंदिर को सजाया नहीं है, वो चीज़ें सभी बाकी आप देख सकते हैं। सिर्फ मैंने पूजा की है सुबह की, जो मैं डेली करती हूँ। और यहाँ देखिए, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। हाँ भगवान, हाँ, नो चीटिंग, थ्री, ओपन योर आइज। कुकी बिस्की डाली। थैंक यू कौन बोलेगा? वेलकम। और यहाँ अनी अपने मामा को हीरो बना रहा है। वो ऐसा बोल रहा था बाद में कि हाँ मैं आपको हीरो बना रहा हूँ। उसका मामा सोया हुआ था और वो बैठ के ये देखिए उसका कंघी करने। तो एक मामा भांजे का जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही खास होता है, जो कि है एक्चुअली इन तीनों का, मेरे दोनों भाइयों का और अनी का बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है, टचुड। और यहाँ फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया पूजा पाठ के बाद। तो मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट में आज उत्तपम बनाया था, आनियन उत्तपम, बाद में टमाटो वाला भी बनाया था इन जिनको चाहिए था। उसके बाद क्योंकि मेरे भाई ने बोला कि टमाटो अनियन मिक्स बनाओ, तो फिर मैंने वो भी बनाया था। तो साउथ इंडियन ना काफ़ी टाइम के बाद बनाया था, क्योंकि मेरा भाई आया था तो उसने मेरे हाथ का साउथ इंडियन अभी तक खाया नहीं था, तो फिर सोचा मैंने। और ये देखिए सांभर विथ नारियल की चटनी। तो नारियल की चटनी मैं थोड़ा अलग बनाती हूँ, मेरा सफ़ेद सफ़ेद नहीं रहता, मैं उसमें धनिया एंड दाल, चने की दाल, मूंगफली, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद बनाऊंगी मैं दिवाली का खाना। तो आज दिवाली के मेन्यू में था दही वड़े, जो कि हमारे यहाँ का रिचुअल है, कड़ी बड़ी, दही वड़े। और यहाँ पे मैंने रायता बनाया था लौकी का, गुलाब जामुन बनाया था जो कि शाम को भोग लगाऊंगी मैं। उसके बाद वहाँ पे सूरन बॉईल कर रही थी, तो सूरन की सब्ज़ी मस्ट होती है। रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे है मैं कैसे बनाती हूँ। फिर मैंने सारा खाना प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद मैंने बनाई रंगोली, क्योंकि कई बार ना हो जाता है ऐसा कि रंगोली मैं बना ही नहीं पाती हूँ खाना बनाने के चक्कर में। तो इस बार मैंने फास्ट फास्ट चीज़ें की थी, ब्रेकफास्ट करने के बाद रेस्ट नहीं किया था, कंटिन्यू में खाना वगैरह सारा प्रिपेयर करने के बाद रंगोली बनाई। तो मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती। हाँ मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छी थी, बट ये नॉर्मल ड्राइंग मुझे नहीं आती। तो मैंने सांचे का से बनाया सारा रंगोली। फिर मैं यहाँ पे शाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मंदिर को डेकोरेट कर रही हूँ, उसकी लाइटिंग एंड जो दिए वगैरह शाम को लगाते वो सारा प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि पूजा करने में टाइम नहीं लगता, उसका प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखिए हमारा मंदिर रेडी हो गया। और शाम का दिया मैंने डेली की तरह जो लगाते हैं हम, वो पहले लगा दिया मैंने। और मुहूर्त 7 बजे का था, फिर मैं 7 बजे पूजा करने बैठी। तो यहाँ पे पहले कलश स्थापना करते, फिर माता लक्ष्मी को स्थापित करते, पूजा करते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी दिवाली की पूजा की, हर साल की तरह। आई होप लक्ष्मी माता हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे और हम सभी के ऊपर, आप लोगों पे भी उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, यही प्रार्थना है इस दिवाली, हर दिवाली की तरह। तो पूजा खत्म होने के बाद और आरती के पहले माता लक्ष्मी पे खील की वर्षा की जाती है, जो कि धान का लावा होता है, हमारे यहाँ लावा बोलते हैं बट यहाँ खील बताशे बोलते हैं। तो खील की वर्षा की और सभी लोगों ने भी की, घर के सारे मेंबर्स ने। लक्ष्मी जी पे देखिए हाथ बांध, लक्ष्मी जी पे अगर हाथ हमसे ले ले, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, मामू चढ़ा देगा, छोड़ दो छोड़ दो,
खाली ऊ ना हो खील वो पैकेटवा में से ऊ वाला ना तो साइड में रख दे। हाँ ऊ में से ना था पैकेटवा में से। अच्छा ठीक है वो पैकेटवा में से लेके चल। अरे देवता। पूजा खत्म होने के बाद फिर सारे घर को दियो से डेकोरेट किया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मिट्टी के दिए जलाऊं क्योंकि हमारे यहाँ घी के दिए जलाए जाते हैं। उसके साथ फिर मैं कैंडल्स भी अरेंज करती हूँ। तो यहाँ अनी को भी बहुत मजा आ रहा था और अभी ना अनी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो भी फेस्टिवल इंजॉय करते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि चीज़ें सीख रहे बच्चे। और ये एक आउटलुक जो मैंने बनाया यहाँ पे दिए रंगोली के ऊपर दिए ना बहुत अच्छे लगते हैं एक्चुअली देखने में। तो ये थी मेरी छोटी सी दिवाली डेकोरेशन की कोशिश। उसके बाद सबने खाया प्रसाद आज का स्पेशल जो भी था भोग लगाया था हमने उसमें से। और उसके बाद आसपास में बांट के उसके बाद हम गए नीचे फटाके फोड़ने क्योंकि वो तो मस्त है। तो इस बार मैंने फटाके ज़्यादा नहीं लाए थे कम ही लाए थे बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। मैंने सोचा चलो जितनी कोशिश कर सकते थोड़ी कम करने की करते हैं। तो बस शगुन के लिए थोड़े ही पटाखे लाए थे बहुत ज़्यादा नहीं लाए थे मैंने। ऐसे ऊपर कर बेटा वो ऐसे गार्गी बुझ गया। हैप्पी दिवाली बुझ गया। हैप्पी दिवाली नीचे नहीं रखो आप उसके साथ घुमाइए ना तुझे तुझे ना तुझे करो 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 हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। अभी उसका उसका पड़ा उसका इसलिए मैं बोली पकड़ के करिए। तो अंकल के पास ही आ रहा है अंकल का चकरी। जलने के बाद ये खत्म जितने दूरी से करो हट जो चंदन खड़ा ना खड़ा ना खड़ा 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 छेद हो जाए। फिर फटाके फोड़ के आने के बाद मैंने खाया गुजिया जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो इस बार हमने बॉम्बे वाला से ही खरीद के लाया था मैंने घर पे नहीं बनाया था तो उनका थोड़ा सा अलग रहता है तो मुझे बहुत पसंद है। तो आप देख सकते कितना इंजॉय करके खा रही हूँ मैं। तो आई होप आप सबकी दिवाली भी बहुत ही अच्छी एंड सेफ रही होगी। उसके बाद हम सबने खाना खाया बस यही था हमारा छोटा सा दिवाली व्लॉग। आई होप आप सबका भी अच्छा भी था। व्लॉग अच्छा लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय टेक केयर।